बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक गंभीर विषय है जो भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को उजागर करने वाला है। बहुत मजबूर होके, बहुत आहत होके ये प्रस्ताव सदन के पटल पर रखना पड़ा मुझे। मुझे लगता है कि इस सदन में उपस्थित हर एक व्यक्ति को इस घटना दूषित मानसिकता के साथ जो एकत्र किया गया है उसकी, उस दुर्घटना का आभास होगा, ज्ञान होगा कि केंद्र की सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भेजकर, मेरे हाथ में वो चिट्ठी है अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के 53 मंदिरों को तोड़ने की अनुमति चाहिए। आप देखिए, सत्ता का नशा जब सर चढ़कर बोलता है तो आवाजें कैसी निकलती हैं कि केंद्र की सरकार भगवान श्री राम के, भगवान श्री कृष्ण के, हनुमान जी के, शंकर भगवान के, दुर्गा माता के, साईं बाबा के, एक दो नहीं बल्कि कुल 53 मंदिर तोड़ने के लिए चिट्ठी लिखी है। जब यह मामला मेरे संज्ञान में आया, मुझे अपने एक परिचित हैं, लंदन में रहते हैं, उनकी एक बातचीत याद आई। उनका एक वीडियो आया मेरे पास जिसमें उनके कनाडा के मित्र ने अध्यक्ष महोदय उनसे कहा कि तुम हिंदू हो? तो मेरे मित्र ने, मेरे परिचित ने कहा कि जी हाँ मैं हिंदू हूँ। तो कनाडा वाला जो मित्र था उसने कुछ पूछा कि क्या तुम्हें हिंदू होने पे गर्व है? तो उसने कहा हाँ बिल्कुल मुझे हिंदू होने पे गर्व है। कनाडा के इस मित्र ने पूछा कि तुम भारत माता की जय कह सकते हो? बोले हाँ भारत माता की जय, वंदे मातरम मैं कह सकता हूँ। तो उस कनाडा वाले व्यक्ति ने, जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक था, कहा क्या तुम जय श्री राम का नारा लगा सकते हो? बोले अरे एक बार नहीं 10 बार सुबह शाम लगाता हूं, तुमसे पूछ मैं लगाता हूं, लो जय श्री राम। तो उसने कहा कि फिर तो तुम्हें निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेनी चाहिए क्योंकि तुम हिंदू हो। यहां मेरा जो परिचित व्यक्ति था वो असहमत हुआ और उसने कहा कि मुझे, मैं प्राउड हिंदू हूं, मैं सनातनी हूं, मैं सुबह शाम पूजा पाठ करता हूं, इसका मतलब ये कैसे हो गया कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का सदस्य होना चाहिए? और फिर उसने एक लंबी चौड़ी बात कही अपने कनाडा वाले उस मित्र से, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के दोहरेपन को उजागर करती है। लब्बोलुभाव ये था अध्यक्ष महोदय कि बड़े अच्छे एक लेखक है, कवि हैं, सुशांत जी, सुशांत सुप्रिय नाम है उनका, उनकी एक छोटी सी कविता की 4 पंक्तियां जो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूंगा कि तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, दोनों अच्छे ढेंचू ढेंचू, तुम भी अच्छे हम भी अच्छे, दोनों अच्छे ढेंचू ढेंचू, और जो भी हमसा राग अलापे वह भी अच्छा ढेंचू ढेंचू। भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है, आप समझिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहना चाहती है कि हमारी तरह जो है तुम अगर खाल ओढ़ लोगे, हमारी तरह तुम भी ढेंचू ढेंचू कहोगे, तुम भी बड़े अच्छे आदमी हो, तुम भी हिंदू हो, तुम भी सही मायने में हिंदू हो, तभी हिंदू हो जब तुम भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हो। लेकिन जो चिट्ठी लिखी है भारतीय जनता पार्टी ने, ये पहला ऐसा वाक्या नहीं अध्यक्ष महोदय जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपने फर्जीवाड़े को उजागर किया। इसके पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा 250 साल से पुराने तकरीबन 296 स्ट्रक्चर्स को, जिसमें दर्जनों मंदिर हैं, एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए देश की आध्यात्मिक राजधानी बनारस के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने दर्जनों मंदिर और तमाम पुराने ढांचों को तोड़ दिया। ये हिंदू बनते हैं जबकि मंदिर तोड़ रहे हैं। बनारस पहली घटना नहीं है अध्यक्ष महोदय, बनारस के बाद अयोध्या के अंदर भगवान राम जिनके अनन्य भक्त थे,
भगवान शिव, उनके 176 मंदिर 176 टेम्पल्स उन्होंने डिमोलिश कर दिए डेवलपमेंट के नाम पर। बनारस में मंदिर तोड़ी भाकुड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, अयोध्या में मंदिर तोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने, 300 वहां पे, 200 यहां पे, उसके बाद दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी 53 मंदिरों को तोड़ने की कोशिश करने में लगी हुई है, जो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के फर्जी हिंदुत्व के एजेंडे को उजागर करती है, उनको एक्सपोज करती है। हम सब ने कल एक श्रद्धांजलि सभा रखी यहां पे इस सदन के अंदर, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी का उतावलापन सामने आया, सुनने को तैयार नहीं है। सौरभ भाई बोल रहे, कह रहे भाई उदयपुर में जो घटना हुई हम सब उससे आहत हैं, चाहे कोई भी समाज का व्यक्ति हो, नफरत की पराकाष्ठा ऐसी नहीं हो सकती कि वो किसी की जान ले ले। मजे की बात देखिए कि उस मामले में भी जो आदमी पकड़ा गया वो भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य है। लश्करे तैयबा के कनेक्शन के साथ जो आतंकवादी पकड़ा गया है जम्मू कश्मीर का, भारतीय जनता पार्टी का मीडिया सेल का जो सदस्य रहा, इंचार्ज रहा है। वो क्या हो रहा है देश के अंदर, जहां कहीं भी जो देश का जो डेमोक्रेटिक फैब्रिक है वो अगर डिस्टॉर्ट हो रहा है, जो देश को मजबूत बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता की जो नींव है, जो सामाजिक सद्भाव की नींव है, उसमें अगर कोई छेद कर रहा है तो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के लोग सामने निकल के आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ये काम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि इस विषय ने पहले हम सब कहते थे, लेकिन अब प्रमाण के साथ ये साबित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ फर्जी हिंदुत्व का फटा हुआ ढोल बजाने वाली पार्टी है, ढेंचू ढेंचू करने वाली पार्टी है। और ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के पास सामने आकर दिल्ली की जनता और देश की जनता से माफी मांगने के अलावा और अपना पक्ष स्पष्ट करने के अलावा और कोई दूसरा तीसरा रास्ता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को यह बताना पड़ेगा कि इस देश में जो एकता और अखंडता की बात कही जाती है, जो गंगा जमुनी तहजीब की बात कही जाती है, जो सबको साथ लेकर चलने की बात कही जाती है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को उससे नफरत क्यों है? वो क्यों देश के सामाजिक सद्भाव के वातावरण को बिगाड़ने में लगे हुए? उनकी पार्टी के पदाधिकारी क्यों कानून हाथ में लेकर देश का सांप्रदायिक सौहार्द खत्म करने पर लगे हुए? उनकी पार्टी के प्रवक्ताओं के ऊपर सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणी आने के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि अगर कोई एक पार्टी है जो नहीं चाहती है हिंदुओं के हक में सोचती है, जो हिंदुओं का भला नहीं सोचती है, और जो हिंदू मुसलमान किसी भी जाति समाज का भला नहीं सोचती है, वो एक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस बाबत अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी विधानसभा के बड़े एक अच्छे साथी हैं डॉक्टर अख्तर साहब, बड़ा अच्छा उनका एक शेर है कि उन्हें तारीख मिल्लत भी हमेशा याद रखेगी। और मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कनेक्शन और उनकी जो पृष्ठभूमि पूरी निकल के आ रही है उस परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि उन्हें तारीख मिल्लत भी हमेशा याद रखेगी जो अपनी कौम के जज्बात का सौदा नहीं करते। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंदू समाज का अपने आप को प्रणेता बताते हैं, अपने आप को नेता बताते हैं, उनको उनके हितों के रक्षक पार्टी बताते हैं, जबकि असल में यही उनका सत्यानाश कर रहे हैं। ये शेर उनको एक्सपोज करता है। मैं सदन के सामने अपना निंदा प्रस्ताव पढ़ना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा देश के सामने आया। मोदी सरकार ने दिल्ली सरकार को चिट्ठी भेजकर कहा है कि हमें भगवान श्री राम, कृष्ण, हनुमान, शिव, भगवान माता दुर्गा, साई बाबा समेत 53 मंदिरों को तोड़ने के लिए धार्मिक समिति की अनुमति चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग देश भर में धर्म के नाम पर ड्रामा करते हैं, जबकि दिल्ली में 53 मंदिरों को तोड़ने की योजना बना रहे हैं। यह सदन इस बात की निंदा करता है। धन्यवाद।